हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फ्यूरिस विवेक राय। मैं आज आप लोगों को एक ऐसा यूज़फुल ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ। कृपया आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही यूज़फुल ऐप है। तो दोस्तों, ये ऐप आप लोगों में दिखाऊंगा और उसको कैसे यूज करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। आप यहाँ पर देख रहा है, यहाँ पर म्यूजिक म्यूजिक पार्ट, यहाँ पर म्यूजिक स्पीड चेंजर। ओके, इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक फोल्डर से एक गाना यहाँ पर डाल के मैं इसका स्पीड और उसका जो पिच है यहाँ पर आप देख रहे हैं, स्टार्ट टेम्पो पिच एंड स्टार्ट प्ले ओपन फुल। इसको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर जाना है और ओपन ऑडियो में क्लिक करना है, ठीक है। और लोड फाइल, ओके, लोड फाइल में जाइए और यहाँ पर आपको मिल रहा है बहुत सारा गाने, ठीक है। और जो यहाँ पर ओरे पिया वाला एक 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 रुकिए, एर रेमन का जो गाना मैंने एक यहाँ पर टिक किया और उसको प्ले करूँगा। और यहाँ पर ये गाना है वंदे मातरम वाला। अगर आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो कभी कभी वो कभी कभी नोट्स को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं हमारे जो ब्रेन से, इसके लिए थोड़ा सा टेम्पो इसको स्लो करना है, ठीक है। यहाँ पर जीरो है, आप जितना लो करके भी सुन सकते हैं, बहुत लो गया ये, इसका टेम्पो लो गया। ओके ठीक है, फिर जाएंगे जीरो में ही इसका। ओके, और फास्ट भी होता है। आप शायद सुन रहा है, ओके, ये किस चीज़ में काम आएगा कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करने में कभी कभी रिपीट करना पड़ता है और हम जब नोट्स वगैरह है जो हम लोग सुन के उसको नहीं, हम क्या बोलता है उसको नहीं कैच कर पाते, और इसीलिए आपको स्लो करके भी आप नोट्स वगैरह भी अच्छे से सुन सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है पिच। ओके, पिच प्ले करेंगे, फिर इसको और पिच के बारे में जाएंगे। पिच अगर ये मेरे ख्याल से सी, हाँ सी का है ये, सी से नेचुरल कट से ये गाना बज रहा है। और अगर आपके पास ज़्यादातर क्या होता है, जो मैं फ्लूटिस्ट लोग को बोल रहा हूँ और जो इंस्ट्रूमेंटलिस्ट है, ठीक है, उन लोगों को बोल रहा हूँ कि आपके पास सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जैसे कि एक फ्लूटिस्ट के पास एक जी का है, ठीक है, जी का, और सी डी का है, ठीक है, ठीक है ना, ये सी से गाना बज रहा है और सी के बाद क्या आता है, सी शार्प, और सी शार्प के बाद क्या आता है, डी। उसका मतलब एक दो ये, ठीक है, पिच मैंने आप सुन रहे हैं, ये डी से जा रहा है गाना, और डी शार्प से करना है आपको, ये कर सकते हैं, और डी, और ये जो ये सी है ये बी है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक ही फ्लूट है तो आप ये से पिच चेंज करके भी वो ट्रैक आप बजा कर आराम से
कारोके आप ज़्यादातर ये क्या होता है कारोके में प्रॉब्लम होता है, सिर्फ कारोके एक ही कॉर्ड से बना हुआ होता है, ठीक है, उसका डिफरेंट कॉर्ड का जो कारोके नहीं मिलता है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है यहाँ पर, क्या करना पड़ता है, तो आपको यहाँ पर जाकर पिच को चेंज करना पड़ता है, और पिच को चेंज करने से क्या होगा गाने बहुत अच्छा रहेगा। और मैं आपको फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और जो मेरा जो नेपाली गाने है, ओके इग्नोर बैकग्राउंड्स, ठीक है बैकग्राउंड साउंड्स, ओके ओपन में जा रहा हूँ, ये मेरा गाना है सी स्केल से, ये मतलब ये ओरिजिनल स्केल से, ये कारोके का सी शार्प, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, रुकिएगा, सी शार्प, ओके प्ले, ये मैंने पिच ऑलरेडी चेंज किया था इसका, ओके ओके ये ओरिजिनल, ठीक है। अरे मुझे इसमें बहुत दिक्कत आया बजाने में, और इसके मैं एक माइनस करूँगा, ठीक है, ये मैंने अभी मैंने सीखा बांसुरी हाथ में लेकर कारोके में मैं बजा रहा हूँ, ठीक है, ये पिच मैंने चेंज किया है, और इसके फिर ओरिजिनल पिच में सी शार्प में, ये रहा इसका इस ऐप का जो यूज, ठीक है, आप टेम्पो भी स्लो कर सकते हैं, अरे ये था आप सभी के लिए बहुत यूज़फुल ऐप, आप किसी भी कारोके को यहाँ पर डाल के उसका पिच चेंज कर सकते हैं, पिच चेंज करके अपना जो फ्लूट से अपना जो इंस्ट्रूमेंट आप कहाँ से अच्छा होता है बजाने में वहीं से आप बजा सकता है, ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, कमेंट दीजिएगा।